दोस्तों एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल की तरफ से एक बयान आया है जिसके बाद एयरटेल के उपभोक्ताओं के अंदर थोड़ा सा खलबली मच गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो टैरिफ प्लान है, जो महीने का रिचार्ज है, वो काफ़ी सस्ता है। और जब भी कभी ऐसा कहा गया है, इसका ये मतलब आप समझ लें कि आने वाले दिनों में प्लान्स महंगे करने की ये लोग सोच रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर महंगा कर दिया जाता है तो लोग जो है पोर्ट आउट करा लेंगे, या तो फिर लोगों को लगेंगे कंपनी ने धोखा किया है ऐसा कुछ। तो इसलिए पहले से धीरे धीरे करके आपके दिमाग में ये सारी बातें फिट किया जा रहा है। अब ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बात यहां पे कहना चाहूंगा कि किस तरह से ये लोग आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। पहले की अगर हम बात करें, चाहे एयरटेल हो या फिर जो भी जितनी सारी कंपनियां थी, सबके प्लान जो है 250-275 रुपए में हमें 2 GB मिल रहा था 2016-15 या 2017 में। तो ऐसे में हम पूरे महीने जो है 2 GB संभालते थे, या तो फिर हम एक्स्ट्रा जो एडिशनल पैक रिचार्ज करते थे। उसके बाद आया जियो का मार्केट में एंट्री हुआ। जियो ने भी किस तरह से आपके दिमाग के साथ खेला देख लो। सबसे पहले जो है सिम का इतना डिमांड कर दिया गया कि स्टोर्स के बाहर में लंबे लंबे लाइन, मतलब ये जो सिम है बहुत अनमोल है ऐसा हमें बताया गया। वाकई में उस टाइम के लिए तो वो था ही, क्योंकि उसमें डाटा जो है अनलिमिटेड, वो भी हाई स्पीड डाटा मिल रहा था। तो हम सब के लिए बहुत अच्छा लगा, हम सब ने अनलिमिटेड डाटा को यहाँ पे यूज करना सीखा। उसके बाद जो है डाटा की लिमिट कर दी गई 4 GB, वो भी मुफ्त में। अब 4 GB के बाद चार्जेस कर दिए गए और उस चार्ज को कुछ दिन बढ़ाया गया। उपभोक्ताओं को लगा कि हाँ भाई चलो, बाकी कंपनियों के मुकाबले ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनलिमिटेड मिल रही है, या तो फिर दिन का 2 GB 2.5 GB मिल रहा है, तो अच्छा ही है। इसके बाद बाकी सारी कंपनियों को यहाँ पे लगा कि हम अगर नहीं कराएंगे तो बाकी सारे जो ग्राहक है वो चले जाएंगे जियो के पास, तो उन लोगों ने भी अपने प्लान को कम कर दिया। अब सारी कंपनी मिलकर धीरे धीरे करके प्लान्स को बढ़ा रहे हैं। पहले जो है महीने का 200-250 में हो जाता था, आज जो है 300-350 रुपये महीने का लग रहा। तो इस तरह से करके धीरे ये लोग सब मिल गए, अब यहां पे आपका कट रहा है। अब जैसा कि यहां एयरटेल ने कह दिया है कि प्लान्स काफी सस्ते हैं, तो समझ जाइए कि महंगा होने वाला है, और महंगा होगा तो समझ जाइए कि सबका होने वाला है। और एक बात यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एयरटेल के मुताबिक जो 5G के लिए, मतलब 5G जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह जो सर्विसेज मिल रही है, उस हिसाब से काफी सस्ता है। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब 3G का लॉन्च हुआ था, उससे पहले हम 2G का इस्तेमाल कर रहे थे। 2G जो है ठीक ठाक था, अच्छा खासा स्पीड नहीं था, लेकिन ठीक ठाक इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट ब्राउज आप कर लेते थे, आप IRCTC से टिकट वगैरह बुक कर लेते थे 2G इंटरनेट में। उसके बाद जब 3G आया तो हम सब 3G की तरफ शिफ्ट हो गए। 3G का स्पीड बहुत अच्छा हमें लगने लगा, और बहुत अच्छा वाकई में स्पीड था भी। लेकिन कुछ दिन बाद जो है 2G को जब हम देख रहे हैं, तो 2G एकदम चल ही नहीं रहा, जो चल रहा था वो भी पूरा पूरी खत्म, आप समझ लीजिए। अब 3G में हम शिफ्ट हो गए। 3G के बाद आ गया जियो, आने के बाद 4G आ गया। अब जब धीरे से हम 4G में शिफ्ट हुए, अब हम देख रहे हैं 3G का वही हाल है जो कुछ दिन पहले 2G का था, यानी कि ना के बराबर। आज 5G का स्पीड बहुत अच्छा है, आपको ऐसा लग रहा है, आप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको स्पीड अच्छी, जाहिर सी बात अच्छा ही है। लेकिन आप देखिए कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों या कुछ एक दो साल के अंदर में आप देखेंगे 4G का हाल वही होगा जो 3G का था। यानी कि पहले आपको हाई स्पीड दिया जाएगा, नाम बदल के 3G 4G, नंबर बदल के सिर्फ हाई स्पीड दिया जाएगा। उसके बाद जो पुराना स्पीड था उसी स्पीड के आसपास लाया जाएगा, और इसके बदले में बहुत बड़ी रकम आपसे ली जाएगी। देखिए मैं सही हो सकता हूं और नहीं, जो भी हो आपके मन में, आपको जो भी कुछ लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताएं कि मैं सही हूं या नहीं। फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।